बाज बैरिया में 15 दिनों तक चलने वाले उर्स अजमती का 517वां उर्स चादरपोशी के साथ हुआ संपन्न। लाखों की तादाद में अकीदत मंद चादरपोशी में हुए शामिल। बाईसी प्रखंड अंतर्गत मीनापुर पंचायत के बाज बैरिया गांव में हजरत मखदूम सैयद शाह अजमतुल्ला का 517वां उर्स मुबारक शनिवार को चादरपोशी के साथ संपन्न हो गया। इस मौके पर बाज बैरिया के धरती में लाखों की तादाद में अकीदत मंद चादरपोशी में शामिल होकर पूरे देश में अमन चैन कायम रखने की दुआएं की। वही बाईसी विधायक सैयदुद्दीन अहमद ने कहा कि हजरत सैयद शाह अजमतुल्ला का उर्स मुबारक इतिहास रहा है जो 500 वर्ष पूर्व से होते आ रहा है। यहाँ देश विदेश से लोग भी शामिल होते हैं। खासकर बाईसी विधानसभा क्षेत्र के सभी वर्ग के लोग गंगा जमनी तहजीब कायम रखते हैं। आज इस उर्स में सभी वर्गो के लोग शामिल हुए हैं। वही खानका के हजरत कयामुद्दीन अजमती हुसैनी ने कहा कि विगत 517 वर्षों से यहां उर्स का आयोजन किया जाता है और इस आयोजन में दूर दराज के लोग चादरपोशी करने व मन्नतें मांगने पहुंचते हैं। आज 24 फरवरी को चादरपोशी का कार्यक्रम किया गया और अहले वतन के लिए दुआएं मांगी गई, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंद शामिल हुए। आपको बता दें कि प्रति वर्ष उर्स के मौके पर यहां लाखों की संख्या में अकीदतमंदों का जन सैलाब उमड़ती है। दरगाह शरीफ के सैयद कयामुद्दीन अजमती हुसैनी ने बताया कि हजरत सैयद शाह अजमतुल्ला सिलसिला चिश्तिया पंडवा शरीफ मालदा से नसब है, जिसका पंडवा शरीफ से अजमेर शरीफ के ख्वाजा सैयद मैनुद्दीन चिश्ती से उनका सिलसिला जा मिलता है। आगे उन्होंने बताया कि हजरत सैयद शाह अजमतुल्ला हजरत इमाम हुसैन के वंशज हैं और सुदाते हुसैनी हैं। हजरत सैयद शाह अजमतुल्ला का सन 928 ईस्वी में वफात हुई थी, जिसके बाद यहां से प्रति वर्ष देश विदेशों से लाखों की संख्या में उनके चाहने वालों की हुजूम उमड़ता है। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को जलसे का भी आयोजन किया गया और कव्वाली का भी आयोजन किया गया। उर्स कमेटी कार्य में खानदान अजमती व समाज के सारे वर्ग के लोग उत्साह के साथ लगे रहते हैं ताकि दूर दराज से पहुंचने वाले लोगों को कोई परेशानी ना हो। वहीं उर्स के मौके पर बच्चों के लिए एक विशाल मेला भी लगा है जो 15 दिनों तक चलेगी, जिसमें कई राज्य से बड़ी बड़ी दुकानें भी आ पहुंची है। नमस्कार, सिटी एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। जैसा कि देशों दुनिया की तमाम खबरें लेकर हम पहुंचते हैं और इस समय मौजूद हैं बाईसी प्रखंड के बाज बैरिया गांव में, जहां पर जो है लगातार हर साल जो है उर्स का आयोजन किया जाता है और इस साल भी जो है 517वां उर्स का आयोजन किया गया। आप पीछे देख सकते हैं, ये हजरत मखदूम सिरसा अजमतुल्ला शाह रहमतुल्ला का मजार शरीफ है और यहाँ पर जो है लोग दूर दूर से अदर राज्य से ही नहीं बल्कि कई देशों से, जैसे नेपाल बांग्लादेश से भी लोग आकर के अपने मन्नतें पूरा करते हैं। आपको एक एक तस्वीर हम दिखाते हैं कि आखिर लोग क्या मन्नतें लेकर के यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या मकसद होती है यहाँ आने का। हालाँकि काफ़ी प्रचलित ये बाज बैरिया का उर्स है, हर साल इनकी काफ़ी लोग यहाँ पर हजारों की लाखों की संख्या में लोग पहुंचकर जो है इस उर्स में शामिल होते हैं और फिर अपने मन्नतें पूरा करते हैं। हम एक एक तस्वीर आपको पहुंचाने के लिए इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और भी आगे का वीडियो आपको दिखाते हैं और यहाँ के जो है पीरो मुर्शिद हैं उनसे भी जाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है जो इनका दर्शन करने के लिए, इनका दीदार करने के लिए इनके जो मुरीदैन हैं या फिर इनके चाहने वाले हैं वो जो पहुँचे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या खास बाज बैरिया में होती है, कितने दिनों का मेला लगता है, तमाम वो जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं। अब बने रहिए मेरे साथ। कुछ खासियत बताइए जो लोग जानना चाहते हैं आपके जुबान से। उर्स में दूर दराज से लोग आते हैं और इस मतवा सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि रात में जो कॉन्फ्रेंस होता है, जो इनके पीरान हज़रत नूर कुतुब आलम पंडवी के कॉन्फ्रेंस के नाम से मंसूब है और उन्हीं के नाम से हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, और मुझे सबसे बड़ी खुशी की ये बात यह है कि आज हिंदुस्तान, इस भारत मुल्क के जो हालात हैं, हमने पैगाम दिया अपने तमाम कौम को कि अपनी मज़हब अपने साथ है, अपना धर्म अपने साथ है, मगर उससे हटकर इंसानियत भी एक चीज़ है। आपस में इत्तेहाद हो, इत्तफाक हो, प्रेम की भावनाएं हो और इससे तमाम अकवाम व अदियान को फ़ायदा है कि सब अपने अपने काम में लगे रहें, सब अपना तरक्की करें, खुशहाल रहें। और आस्थाना में भी जो कुल शरीफ जिसमें दुआएं होती है, चादरपोशी होती है, उस पर भी मैंने मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआएं की। अल्लाह तबारक ताला हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए और आपस में भाईचारगी बना रहे और एक दूसरे की हिफाजत के बारे में सोचे
और सब चैन सुकून से अपनी जिंदगी बसर करें। अभी जो देश में माहौल चल रहा है, एक संप्रदाय मतलब माहौल बनाया जा रहा है, उसको लेकर इस महीना इस उर्स से क्या पैगाम देना चाहेंगे? और बड़ा अफसोस है मुझे कि कल का हिंदुस्तान क्या था और आज का देश क्या है। तो मैंने जहाँ तक कोशिश की है कि अपने स्टेज से पैगाम दिया है कि अपना धर्म अपने पास है, अपना मजहब अपने पास है, लेकिन इससे हटकर इंसानियत भी एक चीज़ है। देखिए, दुनिया में इंसान बहुत हैं मगर इंसानियत की कमी है, मनुष्य बहुत हैं मनुष्यता की कमी है। हमें मनुष्यता पैदा करना है, अपने अंदर इंसानियत पैदा करना है। कुछ लोग जो विवाद कराने की कोशिश करते हैं वो तो अपना फ़ायदा ले लेते हैं और वो कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन परेशान कौन होते हैं? सारे समाज के लोग परेशान होते हैं। तो हम दुआ करते हैं कि हमारी जो तहजीब थी, हमारे समाज का जो रस्म था, वो फिर वापस आ जाए। यही पैगाम हमने अपने स्टेज से दिया है कि हमारे अंदर पूरे देश में भाईचारगी बनी रहे। एक बार परिचय दीजिए। मेरा नाम सैयद कयामुद्दीन हुसैनी अजमती है। मैं इस दरबार का खादिम भी हूँ और सज्जादा नसीब भी हूँ, लेकिन खादिम कहने में ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है मुझे। सबसे पहले आप सभी को उस अजमती का मुबारकबाद देता हूँ। उस अजमती हज़रत सैयद शाह अज़मतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार पाक है, इतिहास है, 500 वर्ष से अधिक समय से ये उर्स मनता आ रहा है और इस उर्स में अपने राज्य से ही नहीं विदेशों से भी लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, मन्नतें पूरी होती है, सभी धर्म के लोग आते हैं और इस क्षेत्र में सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल कायम दायम है। गंगा जमुनी तहजीब को यहाँ के लोग मानते हैं और बड़े आस्था से श्रद्धालुगण आते हैं, उनकी श्रद्धा पूरी होती है। लगातार क्षेत्र में जो इस तरह के माहौल बने हैं, आज के उर्स के स्टेज से क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्र में? हमारा 22वीं विधानसभा क्षेत्र सीमांचल का एक गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। यहाँ सभी समुदाय के लोग शांतिपूर्ण तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द के माहौल में रहते हैं। यहाँ कोई भी बाहरी लोग तनाव व्याप्त करना चाहता उनकी कुछ नहीं चलेगी, यहाँ के सभी लोग मिलकर रहते हैं और मैं इस इलाके के लोगों के लिए अमन शांति की दुआ करता हूँ। कुल शरीफ एक घंटा पहले करीब करीब 10 बजे के आसपास कुल शरीफ हुई। आज उर्स का अंतिम दिन है, यूँ तो उर्स 10 रोज से अधिक हो गया चल रहा है। उर्स अजमती दूर दूर से जायरीन उर्स अजमती में आते हैं और बाबा के यहाँ से फैज पाते हैं। नेपाल से आते हैं, बंगाल से आते हैं, बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, कलकत्ता से भी आते हैं, यूपी से भी आते हैं और सब बाबा के दरबार से सबको मुराद मिलता है, सबको फैज मिलता है। हर धर्म के लोग आते हैं यहाँ। दरगाह शरीफ में कोई कैद बंद नहीं है, सब एक ही लगते हैं। हर मजहब के लोग इस दरगाह में आके अपना जो है फैज पाते हैं, कामयाब होते हैं।